Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm back with a new video which talks about the important questions in macroeconomics. तो जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि उन्हें इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए थे, तो हेयर इट इज़. तो मैंने एक स्टडी की है कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस देम विद यू. तो एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का है एंड सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी. एंड ईच पार्ट कैरीज 40 मार्क्स, मतलब एग्रीगेट में 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है. तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का है, तो आप सभी को सबसे ज़्यादा ध्यान उस चैप्टर पे देना होगा. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम का वेटेज है 10 मार्क्स का, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 6 मार्क का 1 क्वेश्चन. तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको बड़ी बारीकी से याद रखने होंगे, समझने होंगे, बिकॉज अगर एक मार्क के लिए भी अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए एंड आपको नहीं आता तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ आपको 100 स्कोर करने से रोक सकती है. तो फॉर एग्जांपल अगर 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, दैट इज़ नोन एज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इट इज़ एडम स्मिथ. तो नेशनल इनकम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वेरियस मेथड. तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. एंड यू शुड बी थरो विद ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दीज मेथड्स बिकॉज इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर 6 मार्क. हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं देन आपको एक चॉइस बेस्ड थियरी क्वेश्चन भी मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिकॉशंस नीडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्ट मेथड या फिर इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. तो इसमें 4 फेजेस होते हैं एंड आपको इन फेजेस की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ कंजम्पशन, व्हाट इज़ रियल फ्लो, मनी फ्लो, ताकि अगर एग्जाम में एक मार्क के लिए भी पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर. नेक्स्ट है डिफरेंसेस. हाँ, 3 मार्क्स के लिए डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं. दे कैन आस्क डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. तो आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए. अगर वो डिफरेंसेस नहीं पूछते हैं तो दे कैन एक्सपेक्ट आंसर इन पैराग्राफ, लाइक व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, या फिर व्हाट आर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, व्हाट इज़ नेशनल जीडीपी, व्हाट इज़ रियल जीडीपी एटसेट्रा. तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर थियोरी, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर स्टोरी लिखते हो. लाइक एक्सटर्नलिटी के लिए आप ये लिख सकते हो कि दे आर द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनाल्टी फॉर दैट. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी यानी अ ब्यूटिफुल गार्डन विच इज़ मेंटेन बाय समवन बट द वेलफेयर ऑफ समवन एल्स राइजेस. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में लिख सकते हो पॉल्यूशन, कोई और पॉल्यूशन कर रहा है बट इफेक्ट सोसाइटी एज अ होल हो रही है. फिर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज में आप ये लिख सकते हो कि दीज आर एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ फैमिली मेम्बर्स विच आर प्रोवाइडेड टू ईच अदर. या फिर वो लोग आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे देंगे एंड यू हैव टू क्लासिफाई देम एज डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स लोकेटेड इन इंडिया. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ अ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. तो इट इज़ अ डोमेस्टिक इनकम, वाई, बिकॉज इट इज़ अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. पर अगर क्वेश्चन ये होता कि प्रॉफिट अर्न बाय अ रेसिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम होता? नो. वाई? बिकॉज द एम्बेसी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब आप लोग ये सोचे होंगे कि अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड होने के बावजूद डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है. लेकिन ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर वो एक कंपनी होती तो वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती, बट एक एम्बेसी है वो. एम्बेसी यानी विच इज़ नॉट गवर्न बाय और हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इन विच द एम्बेसी इज लोकेटेड, मतलब वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी. इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि अगर एक कंपनी इंडिया में लोकेटेड है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मगर एक एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. उसके सारे ऑपरेशंस उसकी पैरेंट कंट्री में होंगे, यानी इट विल बी अ पार्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इट्स पैरेंट कंट्री.
इन शॉर्ट अगर कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो वो अपनी ओरिजिनल कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, इंडिया की नहीं। उसी तरह से अगर इंडियन एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है या फिर चाइना में या यूएस में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डबल काउंटिंग। तो वो लोग 1 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, और हाउ द डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल काउंटिंग मीन्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मोर देन वंस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज डबल काउंटिंग। एंड डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द वैल्यू एडेड मेथड और बाय टेकिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। So we are done with the important questions of national income. I hope this video was informative. If so, then don't forget to give it a like and subscribe to my channel if you have not. I'll meet you guys in the next video. Tab tak ke liye goodbye.